हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर है फाइंड द 31st टर्म्स। फाइंड द 31st टर्म आपको फाइंड करना है। एपी 11th टर्म इज 38। एक सीरीज है जिसका 31st टर्म आपको फाइंड करना है और उसी सीरीज का 11th टर्म कितना है 38। तो 11th टर्म को हम लिख सकते हैं a plus 10d इज इक्वल टू कितना है आपका 38, इक्वेशन नंबर 1। आगे दे रखा है 16 टर्म, तो 16 टर्म क्या लिखते हैं a plus 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। प्लस का 10, माइनस का 15, तो माइनस का 5d और यहां पर माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू 35/5। d की वैल्यू रही है हमारी 7। d की वैल्यू कितनी रहेगी 7। डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले आप, तो a plus 10d इज इक्वल टू 38, a plus 10d की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, तो a plus 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू रहेगी हमारी -32। ए की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस में 32। कौन सा टर्म फाइंड करना है हमारे 31st टर्म, तो ए 31st टर्म क्या लिख सकते हैं a plus 30d। ए की वैल्यू -32 + 30 और डी की वैल्यू 7। -32, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। -32 + 210 178 178 next question ap the third and 9 term ap ka third term kitna hai 4 to third term ko kya likh sakte hai a plus 2d is equal to 4 equation number 1 and 9 term 9 term ko kya likhte hai a plus 8d is equal to minus 8 equation number 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट। प्लस का 2d माइनस का 8d क्या रहेगा माइनस का 6d। प्लस का 4 एंड प्लस का 8 प्लस का 12, तो d इज इक्वल टू 12 डिवाइड माइनस 6। डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू होगी हमारे -2। d की वैल्यू कितनी रहेगी -2। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, a plus 2d इज इक्वल टू 4, a plus 2 d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a plus minus minus और 4 इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा 4। तो a इज इक्वल टू 4, माइनस प्लस का 4, a की वैल्यू रहेगी 8। a की वैल्यू फाइंड होगी 8 और d की वैल्यू कितनी रही हमारे -2। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, एपी का कौन सा टर्म क्या होगा 0, तो लेट कर देते हैं एंड टर्म, एंड टर्म विल बी 0। एंड टर्म है वो क्या होगा 0, एंड टर्म को क्या लिखते हैं an इज इक्वल टू 0, an माइनस 1 d, an का फॉर्मूला क्या रहेगा a plus n minus 1 d इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू -2, -2 इज इक्वल टू 0, n माइनस 1 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 8 अपॉन -2 कैंसिल हो गया, तो कितना रहेगा 4। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू रहेगा हमारा 5, n की वैल्यू क्या रहेगी आपके 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट के कितने नंबर हैं
जो 7 से क्या होंगे, डिवाइड, 7 से क्या रहेंगे, डिवाइड। तो 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 100 से, 100 101 अप टू 999 तक। सबसे फर्स्ट एपी आपको बनानी है, एपी में क्या पूछा, जो नंबर किस से डिवाइड होने चाहिए, 7 से। अब देखो 100 को आप 7 से डिवाइड करके देखो, 100 डिवाइड नहीं होता है तो 101 वो डिवाइड नहीं होता है तो 102, तो जो फर्स्ट नंबर आएगा वो रहेगा 105। उसके बाद वापस 7 प्लस करोगे 112 109। सबसे लास्ट में देखो 999 डिवाइड नहीं होता है, इससे कम लेके आ जाए 998 नहीं होगा तो कौन सा नंबर आएगा, 99। ये डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर फर्स्ट में 7 से डिवाइड हो रहा है और कौन सा नंबर लास्ट में 7 से डिवाइड हो रहा है। ए की वैल्यू रहेगी हमारी 105, डी की वैल्यू, डी का एक फॉर्मूला बता रहा है A2 - A1, A2 का मतलब फर्स्ट A1 सेकंड A2, 112 - 105, तो डी की जो वैल्यू रहेगी वो 7। लास्ट टर्म आपको पता है क्या कहलाता है, AN इज इक्वल टू 994, A+N-1 डी इज इक्वल टू 994। ए की वैल्यू 105 प्लस एन की वैल्यू जो कि आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 994, N-1 7 इज इक्वल टू 994 प्लस माइनस 105, N-1 7 मल्टीप्लाई में, इसमें से इसको माइनस करोगे 889, N-1 889 डिवाइड बाय 7, 7 को इससे डिवाइड करते हैं हम, N-1 7 1 7 1 7 2 जा रिमाइनिंग 4 और 49 7 टाइम, तो N की जो वैल्यू रहेगी 127 प्लस 1 128। इसका मतलब क्या हुआ, 128 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से क्या होंगे, डिवाइड। नेक्स्ट देखो हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 4 किसके मल्टीपल, 4 के, 10 और 250 के बिटवीन, तो 10 और 215 के बिटवीन 4 के जो मल्टीपल होते हैं वो आपकी सीरीज रहेगी एपी, फर्स्ट 12 16 20 ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इससे नंबर कौन सा होगा, 248। ए की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी 12, डी आपका आएगा 16 - 12 A2 - A1, तो डी की वैल्यू रहेगी 4। ए एन की वैल्यू आपके दे रखी है 248, क्या फाइंड करना है आपको एन, तो ए N-1 डी इज इक्वल टू 248, ए की वैल्यू 12 N-1 डी 4 इज इक्वल टू 248, तो N-1 4 इज इक्वल टू 248 - 12, N-1 248 - 12, N-1 236, N-1 और 4 से क्या करोगे आप इसको डिवाइड, तो N-1 इसको डिवाइड करा 59, तो N की वैल्यू रहेगी 59 प्लस का 1 N इज इक्वल टू 60, N की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 60। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द 20 टर्म्स, वैसे तो देखो 20 टर्म का मतलब क्या होता है, A+19D, बट यहां पर बोला लास्ट टर्म से, कहां से निकालना है आपको, लास्ट टर्म से आपको एपी शुरू करनी है, तो एपी को कन्वर्ट करेंगे, सबसे लास्ट में कितना आता है 258 और यहां से लास्ट में कितना रहेगा 13 8 और 3। अब यहां से अगर ए तो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या कहलाता है, ए, तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 258। डी फाइंड करने के क्या फॉर्मूला होता है, A2 - A1। अब यहां पर देखो ये सीरीज कैसे हो रही है, डिक्रीज जो कितने का डिफरेंस है हमारे 5 का, तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगा कितना रहेगा 253, तो 253 - 258 कितना रहेगा -5, डी कितना रहेगा -5,
820, a की वैल्यू 258 प्लस 19, d की वैल्यू -5, तो 258 माइनस 95 माइनस करा 153, माइनस करो 153 हो जाए, माइनस करके देख ले आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, शुभाराम स्टार्ट वर्क इन 1995, कहां से स्टार्ट किया वर्क 1995 में, क्या सैलरी थी उसकी 5000, तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो ए कहलाती है, ए कितना रहेगा आपका 5000, इंक्रीमेंट पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है डी, तो अपने यहां सीरीज में फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, किसका इंक्रीमेंट होता है हमारे डी का, तो जो डी की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 200, और सबसे लास्ट की जो सैलरी होती है वो क्या कहलाता है ए एन, तो ए एन की वैल्यू रहेगी आपका 7000, बाकी क्या बच गया एन, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, ए एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू 5000, एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू 200, ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस, तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 200, 7 में से 5 को माइनस करा 2000, ये मल्टीप्लाई है 200 डिवाइड के अंदर एन माइनस वन, 20 से 20 कैंसिल, 2 से डिवाइड करा 10 टाइम, माइनस का 1 प्लस का 1, तो n की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे रहेगी 11, n की वैल्यू कितनी रहेगी आपके 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ऑफ एपी, वही सेम एपी, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 9, d कितना रहेगा आपका 17 माइनस 9, a2 माइनस a1 8, और यहां देखें सम, सम का मतलब होता है sn, sn की वैल्यू दे रखी है 636, तो sn इज इक्वल टू 636, sn का फॉर्मूला आप जानते हैं n बाई 2 टू ए एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 636, n की वैल्यू जो कि आपको फाइंड करनी है 2, a की वैल्यू 9, n माइनस वन डी, डी की वैल्यू रहेगी आपके 8 इज इक्वल टू 636, n 9 टू जा 18, n को इससे मल्टीप्लाई करें 8n, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, 636, अब देखो यहां पर ये 2 किस में था डिवाइड के अंदर, तो यहां किस में आ जाएगा आपके मल्टीप्लाई के अंदर, n 8n 18 माइनस का 8 10, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, n का इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना रहेगा 8n स्क्वायर, n का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10n, ये प्लस के अंदर है, तो इक्वेशन क्या रहेगी आपकी 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 1272, ये आपकी इक्वेशन कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर फोर्थ में अपने पढ़ी थी, इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि दोनों में से किसी भी मेथड में इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जो आपका आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, अगर देखते हैं आपके आंसर दो आते हैं, एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा नेगेटिव, जो नेगेटिव आंसर होता है उसको रिमूव कर देना, जो आपका एन की जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो आपका क्या रहेगा फाइनली आंसर, क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना शुरुआत में क्या बोला था एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से, लास्ट टर्म ए एन 45 और सम एस एन 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस डी भी आपको फाइंड करना है,
फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे Sn का। अब यहां पर देखो d फाइंड करना है तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn की वैल्यू 400, n जो कि आपको फाइंड करना है, a की वैल्यू 5, an 45। ये 2 यहां पर आएगा तो मल्टीप्लाई में 400 मल्टीप्लाई 2 n, इन दोनों प्लस करा 50। 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, डिवाइड में कितना रहेगा 50 इज इक्वल टू n, 0 से 0 n इज इक्वल टू कितना रहेगा 16, n की जो वैल्यू वो कितनी रहेगी 16। अब आपको कॉमन डिफरेंस d निकालना है तो an इज इक्वल टू 45, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू 5, n माइनस 1 d आपको फाइंड करना है, n की वैल्यू हमारा आ रखी थी 16, 45, तो 16 माइनस 1 15, d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, 15 d इज इक्वल टू 40 और d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 की टेबल से कट करेंगे 8/3, तो d की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 7 टर्म्स, सम 7 टर्म का सम S7 क्या रहता है 49, 17 टर्म का सम S17 289, n टर्म का सम जो कि आपको फाइंड करना है। अब देखते हैं Sn का फॉर्मूला, n अपॉन 2 2a n माइनस 1 d इज इक्वल टू 49, तो n 2a n की वैल्यू 7 माइनस 1 d, यहां पर n की वैल्यू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49, 2a प्लस माइनस करेंगे तो 6d 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7, 7 से इसको कट करा 7 टाइम तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट इसकी आप इक्वेशन आप फाइंड करोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आप सॉल्व करोगे इसको तो इसकी इक्वेशन रहेगी 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, अगर कोई डाउट होता आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे इसका। फिर आपका प्रोसेस क्या रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को एलिमिनेशन मेथड समझते हो, जो भी मैंने बताया था दोनों एक और कट करने वाला मेथड सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ए की जो वैल्यू रहेगी वो तो आएगी आपकी 1 और डी की वैल्यू आएगी 2। कब आएगा ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2, जब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फाइंड आपको Sn करना है, Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d, n कितना रहेगा, n का n ही रहेगा क्योंकि n टर्म्स फाइंड करना था, 2 a की वैल्यू 1 n की वैल्यू n और d की वैल्यू कितनी रहेगी 2, n बाय 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2, n को 2 से मल्टीप्लाई कर 2n, 1 को n से करा माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n अपॉन 2 2n, यहां भी 2 से 2 n को n से मल्टीप्लाई करा n स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म बहुत इजी क्वेश्चन है a1, अब देखो a1 3 प्लस 4 n की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 4 1 जा 4, 3 और 4 को प्लस करा 7, इसी तरह a2 3 4 2, तो देखो 4 2 जा 8, 8 के अंदर 3 प्लस करा 11, a3 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12, 12 में 3 प्लस करा 15, तो एक सीरीज रहेगी 7 11 15, a की वैल्यू 7, d माइनस करोगे तो d कितना रहेगा आपका 4, Sn आपको फाइंड करना है। अब यहां पर देखो n दे नहीं रखा है तो क्वेश्चन में n की वैल्यू 15 है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 15, तो इस इक्वेशन में n 15 रहेगा और इस इक्वेशन में n क्या रहेगा 15। जिस टाइप से मैंने ये a1 a2 और a3 निकाला है इसी तरह आप भी a1 a2 और a3 फाइंड करेंगे, तो ap भी निकलेगी जिसमें a और d आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 15, Sn का आपको फॉर्मूला लगाना, n by 2 2a n minus 1 और d n 15 upon 2, a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 2 जा 14, n कितना है 15,
15 माइनस 1 14 और d कितना है 4, तो 14 4 जा 56, तो 15 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो 70, 2 से डिवाइड करना है 35, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 525। तो इस क्वेश्चन में जो एस एन की वैल्यू वो कितनी रहेगी 525। इसी तरह ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आंसर मैं बता देता हूँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो एस एन का आंसर आएगा वो आना चाहिए माइनस का 465। क्या आंसर रहेगा, प्रोसेस सेम यूज करोगे, ए डी आएगा, एन 15 रहेगा, एस एन का फॉर्मूला यूज करोगे, आंसर क्या आना चाहिए माइनस 465। जिसके आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करेगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहां तक देखो अपने 4 से 5 वीडियो हो गए हैं, फर्स्ट चैप्टर का आपने क्लियर कर लिया, सेकंड चैप्टर भी हमारा हो गया है, थर्ड चैप्टर में मैंने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बता दिया है, फोर्थ चैप्टर भी आपका हो गया और आज फिफ्थ भी क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।